रनर एथलीट स्ट्रेचिंग करते समय ये गलती ना करें इस वीडियो में जानेंगे डायनेमिक स्ट्रेच और स्टैटिक स्ट्रेच के बारे में वर्कआउट से पहले स्टैटिक स्ट्रेच करना सही नहीं है पर ऐसा क्यों पहले ये जान लेते हैं डायनेमिक और स्टैटिक स्ट्रेच है क्या जो मूविंग कंडीशन में चलते हुए स्ट्रेचिंग करने को डायनेमिक स्ट्रेच कहते हैं और स्टैटिक जो एक पोजिशन पर या बैठ कर होल्डिंग स्ट्रेच परफॉर्म करते हो वो स्टैटिक स्ट्रेच है वर्कआउट से पहले स्टैटिक स्ट्रेच मसल में इंजरी का कारण बन सकता है स्टडी शो करती है स्टैटिक स्ट्रेच करने से आपकी मसल स्टिफनेस लूज कर जाती है और आपकी मसल वीक रहती है तीस मिनट तक के लिए आफ्टर स्टैटिक स्ट्रेच आपको यह पता है मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करती है रनिंग करते समय और आप ये नहीं चाहोगे स्टैटिक स्ट्रेच से मसल वीक हो जाए वर्कआउट से पहले ये छह डायनेमिक एक्सरसाइज बेस्ट है बिफोर वर्कआउट्स पहली एक्सरसाइज नी टू चेस्ट है जो फ्लेक्सर मसल को टारगेट करती है आपको चलते हुए एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है टेन टाइम्स नी को चेस्ट तक लेके आना है और एंड में लाइट जॉग करते हुए खतम करना है। दूसरी एक्सरसाइज स्ट्रेच है। इसमें फुट को पकड़कर पीछे से पुल करना है याद रखिए फुट को तक होल्ड ना करें। इसे भी करेंगे और रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाती है जिससे आप हिप का यूज और अच्छे से कर पाओगे रनिंग के दौरान आपने प्रोफेशनल एथलीट्स और एक्सरसाइज परफॉर्म करते देखा होगा आप इसे हडल्स और विदाउट हडल्स दोनों ही प्रकार से कर सकते हो चौथी एक्सरसाइज साइड टू साइड हडल है इस एक्सरसाइज में आपको साइडवेज होकर ये एक्सरसाइज परफॉर्म करना है आप इसे हडल्स और विदाउट हडल दोनों ही प्रकार से कर सकते हो और आप इसे ईच साइड परफॉर्म करेंगे और लास्ट में जॉक करना है इसमें डिस्टेंस पैरामीटर पंद्रह से बीस मीटर तक हो सकता है पांचवी एक्सरसाइज वॉकिंग लंजेस है ये एक्सरसाइज आपके ग्लूट हैम एचलीस को टारगेट करती है इस एक्सरसाइज में पीछे वाला लेग स्ट्रेच पोजीशन पर होता है और फ्रंट लेग 90 डिग्री एंगल बनाता है और आपको ये आगे बढ़ते हुए ये एक्सरसाइज परफॉर्म करना है इसे आप 20 मीटर तक परफॉर्म कर सकते हो सिक्स एक्सरसाइज करियो के है जो बिगनर एथलीट हैं इसे फास्ट करने से पहले आप इसे वॉकिंग पर ट्राई करें अगर आप लेफ्ट साइड से खड़े हैं तो राइट लेग क्रॉस करेगा लेफ्ट को आगे तरफ से फिर लेफ्ट लेग साइड पोजीशन पर आएगा और राइट right लेग पीछे से क्रॉस करेगा लेफ्ट को इसी तरीके से मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना है और ऐसे ही आपको दोनों साइड से परफॉर्म करना है आप इसे 20 मीटर तक परफॉर्म कर सकते हो इस एक्सरसाइज को यह सारी एक्सरसाइज आपको इनफ वार्म अप कर देगी इसके बाद ड्रिल्स और मेन वर्कआउट कर सकते हैं आप अगर आपको जानना है कि स्टैटिक स्ट्रेच कैसे करें और कौन सी एक्सरसाइज परफॉर्म करें कमेंट करिए स्टैटिक्स स्ट्रेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे और वीडियो बना सकूँ